पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि निगम मंडल की पहली सूची में केवल उन्हीं लोगों को जगह दी जाएगी जो पार्टी के संघर्ष के साथ लिए रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टी के जाने माने चेहरे हैं। क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत समीकरण बाद की सूचियों में देखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि आलाकमान की मंजूरी मिलते ही पहली सूची जारी कर दी जाएगी। अचानक से आप दिल्ली चले गए, उसके बाद खबर होती है कि आप दिल्ली पहुंच गए हैं। हमारे प्रभारी महामंत्री, छत्तीसगढ़ प्रभारी आदरणीय पीएएल पुनिया साहब के निर्देशन में बुलावे में दिल्ली गया था और छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित निगम मंडलों के जो नाम थे उन नामों पर विचार करने के लिए बुलाया गया था और मैं दिल्ली गया था। और छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल साहब, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और हमारे समन्वय समिति के सभी सदस्यों ने जो नाम प्रस्तावित किए थे उन नामों को लेकर मैं आदरणीय पुनिया साहब के पास गया था और पुनिया साहब से विस्तार से चर्चा हुई है। चर्चा के बाद उन नामों को अंतिम रूप देने के लिए हाईकमान के पास भेजा गया और हाईकमान के अनुमति के बाद निगम मंडलों की घोषणा की जाएगी। तो हाईकमान की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं लेकिन ये नहीं बता पा रहे मोहन मरकाम कि आखिर पहली लिस्ट कब आएगी। लेकिन जैसा कि ये जानकारी दे रहे हैं कि आला कमान के पास, हाई कमान के पास ये लिस्ट जा चुकी है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास, तो जाहिर है कि बहुत जल्दी पहली लिस्ट आ सकती है। और जो संकेत दिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण है कि पार्टी के वो लोग जिन लोगों ने संघर्ष किया है, यानी कि जो पहली सूची आएगी उसमें कास्ट इक्वेशन और रीजन का इक्वेशन नहीं देखा जाएगा कि कौन से क्षेत्र से हैं, बल्कि ये देखा जाएगा कि 15 साल जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है उनको पहली सूची में जगह दी जाएगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस की पहली लिस्ट निगम और मंडल में नियुक्तियों को लेकर के आ जाएगी। कैमरामैन चोलाराम के साथ रायपुर से रूपेश को। मध्य प्रदेश में 22 विधानसभा